आदाब, नमस्कार। मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। कोई लड़की मुझे कल रात सपने में मिली, बड़ी प्यारी सी सूरत थी, भला सा नाम था। हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा। तबस्सुम का मतलब है मुस्कुराहट, और संजीव कुमार को मेरा नाम बहुत अच्छा लगता था। और मैं आपको बता दूं कि उनका असली और पूरा नाम था हरी भाई जरीवाला। वो एक ऐसे कलाकार थे जिन्हें जवानी के मुकाबले में बुढ़ापा ज़्यादा अच्छा लगता था, और यही वजह थी कि भरपूर जवानी में उन्होंने फिल्मों में बूढ़ों के रोल किए। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। मैंने उनसे पूछा एक दिन कि हरी भाई, बुढ़ापे के लिए इतनी चाहत क्यों है, आखिर क्या वजह है? तो कहने लगे, तबस्सुम, मेरा हाथ देख के किसी ने बताया था कि मेरी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं है, बूढ़ा होना मेरे नसीब में नहीं है, इसलिए फिल्मों में बूढ़ा बनकर बूढ़ा होने का अरमान पूरा कर रहा हूँ। अजीब इत्तेफाक है, हम दोनों का जन्म यानी मेरा और संजीव कुमार का एक ही दिन हुआ था, 9 जुलाई को, और हम दोनों अलग अलग पार्टियाँ नहीं करते थे, एक ही पार्टी करते थे। और जब मैं उनसे कहती थी हैप्पी बर्थडे, तो वो कहते थे मुस्कुरा के, सेम टू यू डार्लिंग तबस्सुम। और जब वो नहीं रहे तो मैंने अपना जन्मदिन मनाना बिल्कुल छोड़ दिया। आज से 50 साल पहले 1966 में मैंने संजीव कुमार के साथ एक फिल्म में काम किया था, और उस फिल्म का नाम था अली बाबा एंड 40 थीव्स। उस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे होमी वाड़िया। संजीव कुमार अक्सर सेट पर सो जाया करते थे। एक दिन होमी साहब ने पूछा, तुम इधर शूटिंग करने को आता है, फिर इधर आके सेट पे शूटिंग करने के बजाय सो क्यों जाता है? हरी भाई कहने लगे, मजबूरी है सर, मेरा घर बहुत छोटा है, 1 रूम किचन, रूम में मेरा परिवार सोता है और मैं किचन में सोता हूँ, और रात भर चूहे मुझे सोने नहीं देते, मेरी छाती पे भागते रहते हैं, कूदते रहते हैं, बस यही मजबूरी है, इसीलिए सेट पे आता हूँ तो नींद आ जाती है। जबान को लगाम दो भाभी, मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आप अजान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम कहाँ जाती हो दुल्हन, हम ही चले जाते हैं, अब इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं रही। मालकन, जिस घर में आपके लिए जगह नहीं, मैं वहां कैसे रह सकती हूँ? बचपन में आपका दामन थामा था, अब तो मरने के बाद ही छूटेगा। अच्छा तो जा, हमारा सामान ले आ। ठहरो गुलबदन, मैं भी चलती हूँ। 1969 में गुजरात स्टेट की तरफ से मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था एक गुजराती फिल्म में, और उस फिल्म का नाम था माड़ी मने केवा दे। उसी साल हरी भाई को भी किसी और फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था, और ये अवार्ड हमें मिला था गुजरात के चीफ मिनिस्टर हितेंद्र भाई देसाई के हाथों। अवार्ड लेते हुए संजीव कुमार ने गुजराती में शुक्रिया अदा किया और मैंने हिंदी में, तो पब्लिक चिल्लाने लगी कि तबस्सुम बहन, गुजराती पिक्चर में काम किया है तो गुजराती में बोलो ना। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, शोर मत मचाइए, बोलूँगी बोलूँगी, ज़रूर बोलूँगी। लेकिन 10-15 मिनट के बाद, और मैंने फ़ौरन हरी भाई से कहा, संजीव कुमार से, गुजराती में 3-4 लाइनें मुझे लिख दीजिए, मैं याद करके मैं बोल दूँगी। उन्होंने क्या लिखा और मैंने क्या बोला सुनिए। भाइयों ने बहनों, घणी आनंदनी बात छे कि आजे मने तमने लोगों ने मड़वानो मौको मळ्यो। गुजराती भाषानी पिक्चरमां काम करवानी मने अत्यंत मजा आवी, ने हूँ गुजराती भाषाने जेटली कठिन समझती हती एटली कठिन नथी। भाषा घरी ज रचनात्मक ने मीठी छे। तमे एम समझता हशो कि आ छोकरीने तो सारी गुजराती आवड़े छे, पछी गुजराती पिक्चरमां काम करे એ મશીને વાય, પણ વાત એમ નથી, આ બધું તો ડાયલોગની માફક ગોખેલું છે। તો એસી મજેદાર બાતે ભી મેં આપકો બતાતી રહુંગી, આપ બસ દેખતે રહીએ તબસ્સુમ ટોકીઝ, ઓર કરતે રહીએ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ।